बकाया राशि न देने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। टैक्स बकाए को वसूल करने के लिए इस बार नगर निगम ने सीलिंग की कार्यवाही कर बकाया वसूलने का काम शुरू कर दिया है और इस बार नगर निगम मुरादाबाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। नगर निगम ने ऐसे ही लोगों को चिन्हित कर मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित पाशवनाथ प्लाजा में कुछ दुकानों पर सीज की कार्यवाही भी की है। राजस्व की वसूली को लेकर वैसे तो आए दिन कार्यवाही सुनने में आती है, लेकिन इस बार नगर निगम मुरादाबाद की तरफ से इनसे सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है और इसी के तहत मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित पाशवनाथ प्लाजा में कई राजस्व बकायदे की वसूली के लिए दुकानों पर कार्यवाही करते हुए उनको सीज कर दिया गया। सीज हुई दुकान स्वामियों का कहना है कि उनके पास टैक्स जमा की हुई रसीद भी है, जिसको लेकर वो नगर निगम की सीनियर अधिकारी से बातचीत भी करेंगे। तो वहीं अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि शहर के बड़े टैक्स बकायेदारों से बकाए को वसूल करने को लेकर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पाशवनाथ प्लाजा पर सीजिंग की कार्यवाही की गई है, क्योंकि उनके खिलाफ 45 लाख का बकायदा था, लेकिन उनकी तरफ से 25 लाख का चेक दे दिया गया है और बाकी बकाया देने के बाद उस बिल्डिंग को वापस खोल दिया जाएगा। ये मेरी शॉप है यहाँ पे फिरंगी क्रिएशन सुजीतपुर के नाम से, मेरा नाम सचिन चौधरी है और आज नगर निगम ने बिना किसी पूर्व जानकारी के आके मेरी शॉप को सील कर दिया है। दो सील लगा रखी है यहाँ पे भी और इस शटर पे भी, और मेरे ही साथ नहीं, यहाँ पे 8-10 दुकानों पे और भी सीलिंग करी है बिना किसी पूर्व जानकारी के। ये बताइए ये किस तरीके से ये न्यायोचित है? ये तो सीधे सीधे मैं परेशान किया जाए, हरिश किया जा रहा है सीधे सीधे लोगों को। तो टैक्स आपका भरा हुआ है? नहीं, टैक्स मेरे पास 31 मार्च तक का पूरा टैक्स भरा हुआ है इस समय, और रसीद मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, रसीद देखिए इसके अंदर। ये 31 मार्च तक का पूरा टैक्स मेरे पास भरा हुआ है, अब तो 31 मार्च 2021 तक का पूरा टैक्स भरा हुआ है यहाँ पर, और इसके बावजूद इन्होंने आके मेरी शॉप को यहाँ पे सील कर दिया। कोई भी यहाँ पर पूर्व जानकारी मेरे को नहीं दी गई है। कितनी दुकानें सील हुई हैं यहाँ पे? शायद 4-5 दुकानें और भी है भाई साहब, यहाँ भाई साहब भी है मेरे साथ में, इनकी भी दुकान सील करी है। इन्फॉर्मेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी तरह की भी, गेट तक पे भी सील लगा के चले गए बाहर नीचे, वो गाड़ियां बंद है, कुछ नहीं, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के ऑफिस है मोस्टली। देखिए ग्रहकर जलकर की जो बकाया है उसको जमा करने के लिए शहर में एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। जितने बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के हम ग्रहकर जलकर की बकाए वसूली कार्य करा रहे हैं। इसी के क्रम में पाशवनाथ पे विगत लगभग 10 वर्ष से 45 लाख रुपए बाकी था, जिसको जमा कराने की याद कार्रवाई की गई। उन्होंने जमा करने से इनकार किया तो उनकी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की। जब सीलिंग हुई उसके उपरांत उन्होंने 25 लाख का एक चेक हमको जमा किया है, बाकी पैसा वो बाद में जमा करने का आश्वासन दिया है, उसका लिखित पत्र उन्होंने दिया है, उसके बाद सीलिंग खोलने की कार्रवाई की गई।